नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड का एक और पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लाइन स्पेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा होम टैब के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जनरल पार्ट और इंडेंटेशन पार्ट पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिंग के बारे में। तो देखिए, स्पेसिंग के अंदर हमें दो स्पेसिंग मिलती है, एक मिलती है पैराग्राफ स्पेसिंग और दूसरी होती है लाइन स्पेसिंग। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ स्पेसिंग कौन सी होती है। तो देखिए, जब आप दो पैराग्राफ्स लिखते हैं, यानी कि जब आप काफ़ी कुछ अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आप काफ़ी सारे पैराग्राफ्स बनाते हैं। तो पैराग्राफ जब आप चेंज करते हैं तो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है। अब आपको मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा कि पैराग्राफ कहाँ से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको शो हाइट का बटन दिखता है, पैराग्राफ के अंदर ही आता है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख जाता है, इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। तो इसको अब आप रिमूव कीजिए, यहाँ पर हमने पैराग्राफ को चेंज किया है। अब यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ जब ख़त्म हुआ है उसके बाद जो स्पेसिंग है ना, उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग देते कहते हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग तो दी नहीं गई है। तो यानी कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं, अपनी जो भी आप चाहते हैं, कितनी देना चाहते हैं। तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को खोलिए। यहाँ पर आपको स्पेसिंग के अंदर बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन मिलता है, इसे समझिए। बिफोर का मतलब होता है पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग देनी है, यानी कि द लाइफ इज़ सो इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया है, इससे पहले कितनी स्पेसिंग देनी है वो आपको यहाँ पॉइंट्स देने हैं। और आफ्टर का मतलब है कि पैराग्राफ जब आपने ख़त्म किए, यानी कि कैन डू इन आवर लाइफ, ये पैराग्राफ हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, इसके बाद कितनी स्पेसिंग देनी है वो यहाँ पर आपको पॉइंट्स डालने हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स डालते हैं, जैसे बिफोर में मान लीजिए मैं 30 पॉइंट्स डाल देता हूँ और आफ्टर के अंदर हमें सपोज़ कीजिए 48 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं और मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया था यहाँ पर स्पेसिंग दे दी गई है इधर साइड में, यानी कि बिफोर पैराग्राफ। और आफ्टर पैराग्राफ आप देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग दी जा चुकी है, यानी कि हमने ऑटोमेटिकली जितनी आप स्पेसिंग चाहते हो उतने पॉइंट्स आप इनपुट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको हल्का सा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट कर दिया है, अब आप ना चाहते नहीं है, मतलब कि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं जो आपने स्पेसिंग दी है, तो उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट ऑल कीजिए। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब मैं रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूँगा तो आप देखना बैकग्राउंड में, देखिए ध्यान से मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया जो हमने स्पेसिंग स्पेसिफाई करी थी ना 30 पॉइंट्स की, वो रिमूव हो गई। इसी तरीके से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, जो हमने स्पेसिफाई करी थी ना कि भाई 48 पॉइंट्स की स्पेसिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर रिमूव हो गई है। तो आप अपनी मर्जी से स्पेसिंग दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। तो लाइन स्पेसिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए लाइन स्पेसिंग क्या होती है। अब देखिए, आपने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, राइट? अब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के जो बीच में जो स्पेस दिया गया है ना, उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हर लाइन के, दो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और इस स्पेस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से इस स्पेस को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है सिंगल। अब सिंगल का मतलब ये होता है डिफ़ॉल्ट। जी हाँ, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो एमएस वर्ड हमें ऑटोमेटिकली ये लाइन स्पेसिंग देती है सिंगल लाइन स्पेसिंग की, तो इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास होता है। अब बात आती है 1.5 लाइंस की। 1.5 लाइंस पे जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। देखिए, ओके जैसे ही आपने प्रेस किया तो यहाँ पर दो लाइनों के बीच में, अब ध्यान रखिएगा ये पैराग्राफ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर दो लाइनों के बीच में यहाँ पर एक स्पेस
केस हमारे सामने आ गए जो कि है 1.5। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि हमने जो कर्सर था वो फर्स्ट पैराग्राफ पे इनपुट किया हुआ था, यानी कि जहाँ पर आपका कर्सर, जिस पैराग्राफ के अंदर आपका कर्सर होगा उसी पैराग्राफ में ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। अगर आप पूरे पेज में करना चाहते हो तो उसके लिए तरीका क्या है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट ऑल कीजिए कंट्रोल ए की मदद से। आपने सिलेक्ट ऑल किया, अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लाइन स्पेसिंग के अंदर मैं 1.5 करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए आप देख पा रहे हैं हर पैराग्राफ के अंदर ये स्पेसिंग हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको डबल मिलता है। अब डबल में क्या होगा आइए कर देखते हैं, डबल में डबल साइज़ का स्पेसिंग हो जाएगी। अब आप जाइएगा नहीं क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो अब आप समझ गए अब सेकंड पैराग्राफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कर्सर फर्स्ट पेज पे था, फर्स्ट पैराग्राफ पे था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एटलीस्ट। अब इसे समझिए एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि इतने पॉइंट्स की स्पेसिंग होनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आपने एटलीस्ट किया एट वाले ऑप्शन में एक और कॉलम खोल गया है, इसके अंदर आपको पॉइंट्स डालने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 पॉइंट्स डालता हूँ, 50 पॉइंट्स डाल देता हूँ राइट। अब 50 पॉइंट्स का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट्स की तो स्पेसिंग चाहिए ही चाहिए दो लाइनों के बीच में। 50 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं लेकिन 50 तो होनी ही चाहिए। अब मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स की स्पेसिंग हो गई है। अब आप ये मत कहिएगा सेकंड पैराग्राफ में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ पे था। अब एक चीज़ समझिए, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करता हूँ। अब देखिए मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे जैसे मैं फॉन्ट इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना तो ये जो दो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो उसको कम नहीं कर रहा, उसकी जो पॉइंट्स 50 पॉइंट्स की स्पेसिंग थी वो रहेगी रहेगी, यानी ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो कम नहीं होगी, 50 पॉइंट्स की स्पेसिंग रहेगी रहेगी। अब मैं आपको दूसरा जो आपको समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये एटलीस्ट का मतलब ये है कि 50 पॉइंट की स्पेसिंग रहेगी रहेगी पूरे डाटा में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सही कर देता हूँ, अब आपको मैं इसको समझाता हूँ। और यहाँ पर आपने एटलीस्ट का समझ लिया है कि एटलीस्ट में ये है कि कितनी जितने पॉइंट्स आप देना चाहते हो उतने पॉइंट्स होंगे ही होंगे, चाहे आप फॉन्ट इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो। अब बात आती है एग्जैक्टली की, इसे समझिए। एग्जैक्टली का मतलब ये है कि आपने पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि मेरे को 50 पॉइंट की स्पेसिंग चाहिए राइट। अब उस 50 पॉइंट से स्पेसिंग के ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी, 50 ही रहेगी। आइए इसे करते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली में कर दिया है और इसे 50 पॉइंट कर देता हूँ ओके। और मैं यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ, देखिए 50 पॉइंट की स्पेसिंग हो गई है जो कि हमने पहले दी थी। लेकिन अब फ़र्क क्या है ये समझिए, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और मैं इसे ज़ूम करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जैसे मैंने इसको इसका फॉन्ट इंक्रीज़ किया एक तो यहाँ पर स्पेसिंग कम हो गई राइट। एक्चुअली ये स्पेसिंग कम नहीं हुई है, उसने कहा था एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स की स्पेसिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए आपके वर्ड्स गायब हो रहे हैं, यानी कि लाइफ लिखा था लाइफ का एफ का ऊपर वाला पोर्शन गायब हो गया जैसे आप फॉन्ट इंक्रीज़ करो। देखिए वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने स्पेसिंग जो थी वो एग्जैक्टली दी थी, मतलब कि इतनी ही होनी चाहिए इससे ज़्यादा ना हो चाहे फॉन्ट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। लेकिन एटलीस्ट में क्या था कि 50 पॉइंट होनी ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उस टाइम जब आपने फॉन्ट इंक्रीज़ किया तो वो फॉन्ट के अकॉर्डिंगली उसने 50 पॉइंट की स्पेसिंग दी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जब आप एग्जैक्टली का यूज़ करें तो आप पहले से तय कर लें कि आपको यहाँ पर फॉन्ट जो है वो कितना रखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मेरे को समझानी बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब ये भी हमने सीख लिया है जो कि है एग्जैक्टली। अब आती है मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब, मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे कि वन स्पेसिंग लाइन है जो कि हमें स्टैंडर्डाइज देते हैं, ये वन टाइम स्पेसिंग हो, मल्टीपल मतलब वन टाइम्स। अब यहाँ पर मैं टू कर देता हूँ जैसे, तो यानी कि टू टाइम स्पेसिंग, ओके प्रेस करता हूँ तो ये टू टाइम स्पेसिंग हो जाएगी। अब इसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट दी जाती है, इस पर क्लिक कीजिए लाइन स्पेसिंग में। देखिए यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट दी जाती है 2.0, 2.5, 3.0। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने 3.0 पे क्लिक किया तो ये इतनी सारी स्पेसिंग हो गई है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल।
इसे आपको क्लिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हाई लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें क्या कह रहा है ये समझिए, क्योंकि मैं तो यहाँ समझाना चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट। ये इसका ये कहने का मतलब है कि अगर सेम स्टाइल मतलब सेम फॉन्ट का अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, काफ़ी सारे आपने पैराग्राफ लिखे लेकिन वो सेम स्टाइल के हैं, और इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप कितनी भी पैराग्राफ स्पेसिंग दे दो पॉइंट्स की, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें लिख दिया है कि अगर सेम स्टाइल होगा तो यहाँ पर एप्लीकेबल मत करना। तो ये ज़्यादातर बेनिफिशियल तब होता है जब आप हर पैराग्राफ अलग अलग फॉन्ट में लिखते हो, तो उसमें आपको ये बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं कभी डिटेल में हम इसे समझेंगे। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया है स्पेसिंग के बारे में। अगला हम करने वाले हैं टैब्स के अंदर, ये जो ऑप्शन आपको दिया था टैब्स, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।